नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। नपा अध्यक्ष गफू मेमन ने हितग्राहियों को बांटे प्रमाण पत्र। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफार मेमन ने हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए स्वीकृत भवनों के निर्माण के लिए 17 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा 12 स्ट्रीट वेंडरों को भी व्यवसाय हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। अधिकार पत्र मिलने से इनको व्यवसाय में सहूलियत होगी, साथ ही उन्हें व्यवसाय बढ़ाने हेतु लोन भी मिल सकेगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफार मेमन ने कहा कि गरीब हितग्राहियों के विकास और संरक्षण के लिए हम शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज फुटकर व्यवसायी जैसे सब्जी विक्रेता, कपड़ा व्यापारी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया ताकि उन्हें नगर में किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा गरीबों को छत देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन अनुज्ञा दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके, सभापति वंश गोपाल सिन्हा, पार्षद संदीप सरकार, नगर पालिका अधिकारी संध्या वर्मा के साथ नगर पालिका के समस्त स्टाफ मौजूद थे। इस अवसर पर गफार मेमन ने अपने संबोधन में कहा कि अब छोटे व्यवसायी जो ठेला गुमटी एवं अन्य छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं वे अधिकृत रूप से व्यवसाय हो चुके हैं, उन्हें जगह अलर्ट कर दिया गया है। इस दृष्टिकोण से वे अब अपना व्यवसाय स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, उन्हें कोई हटाएगा नहीं और न ही उन्हें कोई परेशान करेगा। इससे छोटे व्यवसायियों के लिए बड़ा रास्ता खुल जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 17 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास स्वीकृति किया गया, जिससे एक छत का जो सपना था वह अब पूरा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो छोटे छोटे ठेले लगाते थे और जो पसरा लगाते थे उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। उसमें इन लोगों ने गरियाबंद में दुकान लगाने के लिए अस्थायी हो गए और अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको कम ब्याज दर पर 10,000 रुपये लोन भी मिलेगा। पहले क्या समस्या आती थी? पहले समस्या इससे ये समस्या आएगी कि अस्थायी हो जाएंगे, ये पहले अस्थायी थे, अब जहाँ जहाँ पर जोन है, जहाँ जहाँ पर दुकान लगाना है वहाँ पर वो दुकान जाके लगा सकते हैं, उनको कोई नहीं हटाएगा अब। और आवास का 16 लोगों का स्वीकृति हुआ, जिसमें आज मैं अपने वार्ड के एक हितग्राही को घर में आकर उनका भवन अनुज्ञा दिया और उनका बहुत जल्द अब आवास का काम चालू हो जाएगा। अब कच्चे मकान से वह पक्के मकान में रहना चालू कर देंगे। गरियाबंद संवाददाता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।